रोमा। अच्छा मैं सॉरी, आप कुल्फी खाओ, मैं उठाता हूँ ना। अरे पहले तो बैठ जाइए। आप जाओ, मैं आता हूँ। अभी बताता हूँ इसे। आलतू जल, आलतू टायर की हवा निकाल तू। अब चला स्कूटी। सुनो काम चोरो, कैब वाला आ रहा है, वो यहाँ पहुँचना नहीं चाहिए। ब्रेक मार। अरे भाई रुकावट के लिए खेद है, बहुत हो गया, धंधा निकल बाहर। अरे क्या हुआ बेटा, अभी तक यही स्टैंडिंग? खुद ही देख लो। ओ माय भगवान, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं 10 बजे की मीटिंग है, टाइम पे नहीं पहुंची तो मैनेजर जान ले लेगा। कैब वाले को कब से फोन कर रही हूँ, उठा ही नहीं रहा। कॉलिंग तो करो उसे। अरे सीधा गाड़ी ले, कस्टमर का कॉल आ रहा है। हाँ मैडम। हाँ कहाँ पहुँचे भाई? 4 मीनार पर गाड़ी धो रहा हूँ। 4 मीनार पे? हाँ और क्या, आप आधा घंटा वेट करो, मैं 2 घंटे में आता हूँ। अरे व्हाट हैपेंड बेटा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और कह रहा है 2 घंटे में आएगा। माँ मम्मी मैं 4 मीनार जा रहा हूँ, कुछ लाना है तो बता देना। सुना माँ, मैं 4 मीनार ही जा रहा हूँ, कुछ लाना है तो बता दो। ये सूरज पश्चिम से कैसे निकला बेटा? जी आंटी। तुम 4 मीनार की तरफ गोइंग? जी आंटी, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। नैना की स्कूटी पंक्चर, तो क्या तुम उसको ऑफिस ड्रॉपिंग? तू शट अप कर। आंटी एक्चुअली वो पेट्रोल का पैसा आई गिविंग। अच्छा ओके आंटी, नो प्रॉब्लम, भेज दो उसे। जा बेटा। नहीं मैं नहीं जा रही। एक दिन की पगार कटाने से अच्छा है तू नेबर के साथ जा। अच्छा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। आज नजारा अच्छा है। तू सपने देखता रहे, मैं इसे ड्रॉप करके आती हूँ। अरे मैं छोड़ दूंगा ना। अरे 4 मीनार ही तो जा रहा हूँ। अच्छा पेट्रोल के पैसे मत दो यार। राशन की लिस्ट, सारा सामान ले आना। अभी आगे चलो, चलो कल्टी मारो, कल्टी मारो। ए मैं आ रहा हूँ भाई। लेट हो रहे भाई, अबे जाना तू। अच्छी है ना? हाँ, बहुत अच्छी। माँ और कितनी हमाली कराओगी? ए, चुपचाप काम कर, ये भी रख। क्या हूँ मैं? अरे अब इसको क्या अपने सर पे रखूं? बकवास बंद कर, जगह बना के रख दे। कहाँ रखूं इसे? सत्यानाश हो, इस लड़के से एक काम नहीं होता, सब गिरा दिया। मैं कह रहा था ऊपर जगह नहीं है। ये क्या फालतू की फोटोज रखी हुई है, रद्दी वाले को दे दो ना। इनमें तेरे पापा की जान बसती है, कभी उनके सामने मत कह देना। भी हो मुझे पसंद है। सर ये बताइए आप हमेशा खुश कैसे रह लेते हैं? वो इसलिए कि मुझे जो पसंद है मैं वही करता हूँ, और यही मुझे हर वक्त भरपूर एनर्जी देता है। मैंने अपने प्रोफेशन फोटोग्राफी को ही अपना करियर बनाया। मुझे खुद यकीन नहीं होता कि ये सब करते करते मेरे 25 साल कब गुजर गए। मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। सर अब तक आपको कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, और इसीलिए मैं अपने बेहतरीन फोटोग्राफ्स को एग्जीबिशन के जरिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सर क्या आपको अपने काम से कभी बोरियत महसूस हुई? देखिए मुझे फोटो लेना बहुत पसंद है। सर आप अपनी फोटो को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि फोटो एक पावरफुल टूल है। ओके जो एहसास से भरपूर है, इंसान को रुला सकता है और एक चीज कर सकता है, हमें भूली बिसरी यादों को फिर से एक्सपीरियंस करवा सकता है। एक फोटो ने वियतनाम वॉर को रुकवा दिया था, जहाँ लाखों की जान जा रही थी। एक फोटो पूरी दुनिया को सोमालिया के तड़पते बच्चों की भूख दिखा सकता है, सिर्फ एक फोटो। और देखो अब तो फोन में आगे और पीछे दोनों तरफ हाई क्वालिटी कैमरास आ गए, जिससे ये और भी सिंपल हो गया है। बस अपना फोन उठाओ और
क्लिक करो। और ऑफ कोर्स कहना पड़ेगा उनमें भी कई अच्छे फोटोग्राफर्स हैं। पर वो आप जैसे कभी नहीं बन सकते सर। नहीं नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बहुत से अच्छे फोटोग्राफर्स मौजूद हैं। हो सकता है मुझसे भी बेहतर हो जो बस यहाँ तक ना पहुँच पाया हो, और शायद वो कोई और काम कर रहा हो। सर्वे के हिसाब से 90% लोग अपने शौक को मारकर एक दूसरी लाइफ जी रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका परिवार एक बेहतर जिंदगी गुजार सके। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 10% लोग ही अपने शौक को अपना प्रोफेशन बनाते हैं और एक बेहतर और मनपसंद जिंदगी जी पाते हैं। और मैंने उन 10% में रहने का फैसला किया है, इसलिए मैं जो हूं आपके सामने हूं। हर किसी को सोचा हुआ मकाम नहीं मिलता। मैं भी क्रिकेटर बनना चाहता था पर नहीं बन सका, परिवार के लिए तो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मैं भी बाला सुब्रमण्यम की तरह गाता था। सब लोग बोलते हैं बाथरूम में कब तक गाएगा, ये फिल्म का हीरो लोग के लिए गाना गाओ, किस्मत देखो तुम लोग के साथ बैठा है। नौकरी है हमारा भरा पूरा परिवार है, हम बहुत खुश हैं। भगवान से जो मांगा सब मिला, भला और क्या चाहिए। अरे जो फोटो मैंने खींची थी वो इस हफ्ते भी पेपर में आई है। हमारी अगली मीटिंग 6:30 बजे है ना? हाँ वहां पर। थैंक यू सर। फोटो ऑटोग्राफ सर। ओके। हटिए हटिए प्लीज साइड हटिए। अजय हट जाइए। तू क्यों जिंदगी का टाइम वेस्ट कर रहा है? तेरा कभी कुछ नहीं होने वाला। पैदा हो के तूने धरती पे एहसान किया है। सीवी देख, बकवास। ज्यादातर बड़े काम एवरेज मार्क्स लाने वाले लोगों ने ही किए हैं मैम। ये बात है? हाँ हाँ। तू एक काम कर, तू ना कोई रापचिक काम करके बता, फिर मेरे पास आ। हाँ कल्टी मार। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना। हाँ अगर जॉब नहीं देनी है तो मत दो, लेकिन मेरे दिमाग का दही मत करो। ए, फूल किसको दे रहा है रे? हर बार बॉर्डर पे जा जा के पास हुआ है, फिर भी यहाँ जॉब मांगने आया है। ए, बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, पहले टाई तो ठीक से पहन लो। हाँ? इसकी तो इंटरव्यू के लिए तुम जाते हो और चले आते हो, ऐसा कब तक चलेगा? कोशिश कर रहा हूँ पापा, पसंद की जॉब ही नहीं मिल रही तो क्या करूँ? बेटा पैशन के साथ पैसा भी जरूरी है, जिंदगी में हर किसी को पसंद की चीज नहीं मिलती। कभी कभी ना चाहते हुए भी हमें वक्त के साथ समझौता करना पड़ता है। फिर भी बचपन से लेकर आज तक मैं कोशिश करता रहा कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करता रहूं, ताकि तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस ना हो। हर चीज दी मैंने, और अगर फिर भी तुम्हें कोई काम नहीं मिलता इसका मतलब तुम्हें उसमें दिलचस्पी नहीं है, तो फिर किस चीज में दिलचस्पी है? मुझे बताओगे तभी तो पता चलेगा ना। दिलचस्पी की बात नहीं है पापा। तो फिर अगर तुम्हें अपने टारगेट के बारे में पता होगा तभी तुम सही निशाना लगा सकते हो ना। वक्त बर्बाद मत करो, बीता हुआ वक्त वापस नहीं लौटता। ठीक है पापा। तुझसे बेटर तो ये बॉय है, कम से कम हाउस के काम में हाथ तो बटाता है। लेजी स्टुपिड गर्ल। मुझे पता है ये सब किसके लिए कर रहा है। बुलेट। बस बुलेट देखी नहीं कि सब भूल जाती है, देखिए ना। क्यों, इन्हें बुलेट बहुत पसंद है? अरे ये तो बहुत पुरानी कहानी है। जब ये छोटी थी तो इनके नाना के पास एक बुलेट हुआ करती थी, उस पर बिठाकर हर जगह घुमाते थे। जब ये पहली बार बुलेट पर बैठी थी तो इन्होंने ठान ली थी कि मैं भी किसी दिन बुलेट चलाऊंगी। लेकिन जब सीखने की बारी आई तो इनकी शादी हो चुकी थी, और तब से जब भी ये बुलेट देखती हैं तो बुलेट की तरह फटफटाने लगती हैं। तू चुप कर, जब देखो कुछ भी बोलती है। शादी के बाद तो ट्राई कर ही सकते थे आंटी। शादी के बाद दो बार ट्राई करेंगे। एक अंकल को ऐसे ठोका कि ऊपर जाते जाते रह गए, उसके बाद मैं बुलेट को कभी नहीं टचिंग। आंटी आ जाइए, आपको बुलेट सिखाता हूँ। बुलेट
नहीं बेटा, अब इसे चलाना मेरे बस की बात नहीं है। पर तुम इसे लाए कहाँ से? आम खाइए ना आंटी, गुटलियाँ क्यों गिन रहे हो? अरे बैठिए ना, सबकी रक्षा करना। आप अपनी कर लो बस। ये क्लच है, अच्छे से पकड़िए। पकड़ें पकड़े। आप स्टैंड ओपन कर लीजिए। ओके। अब ये क्लच पकड़िए, ऑन कीजिए और ब्रेक दबाइए, गियर डालिए। अब धीरे से क्लच छोड़िए और रेस भी चलाइए। जोर का झटका लगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करते हैं। अब क्लच दबाइए, स्टार्ट कीजिए और धीरे से रेस लीजिए। टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ आपके साथ। हट जाओ यार। कहीं किसी को ठोक तो नहीं दिया? क्या फर्क पड़ता है, शौक तो पूरा हो जाएगा। वैसे वो दाना आंटी के ऊपर फेंक रहा है, पर उसका असली शिकार तुम हो। अभी तक नहीं आए, कहीं दूर तो नहीं निकल गए? चलो देखते हैं। कंग्रेचुलेशंस आंटी, आप तो सीख गए। कब से बुलेट चलाने की सोच रही थी, आज ड्रीम फुलफिलिंग। पता है मैंने आज क्या किया? क्या? बुलेट चलाकर दूर गई थी। अच्छा। मैं दावे से कह सकती हूँ ये तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए ही आंटी को पटाने की कोशिश कर रहा है। कहा जा रहा है?